वर्ल्ड कप 2023 में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है और अफगानिस्तान ने इंग्लिश क्रिकेट का बाजा बजा दिया है। वो जो बैच बॉल क्रिकेट होता है जिसके गाने बहुत सुनाई पड़ते हैं, उसका बाजा बजा के अफगानियों ने कहा कि बाबू ये वही दिल्ली है जहां पर कभी हमने भी राज किया था। माना कि आज मैदान क्रिकेट का है लेकिन दिल्ली में हमें दिल मिलेगा और आज तो जीत हमारी। गजब का मैच, किसी ने अफगानिस्तान को आज फेवरेट नहीं माना था। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को मैंने सुना, हर एक शख्स कह रहा था जी वन साइडेड मैच है जी, इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगा जी, चेस करो आसानी से जीत जाएगा जी। लेकिन अफगानियों ने कहा अरे सब्र करो, ठहरो जरा, हमको आता है सरप्राइज पैकेज देना। माना दो तीन मैच हार गए इसका मतलब थोड़ी ना यार तुम हल्के में लोगे, और 280 प्लस ठोका है हमने, और जब ठोका है तो हमारे भी स्पिनर निकालेंगे। और हुआ 2015 में अफगानिस्तान ने पहली बार स्कॉटलैंड को हराया था वर्ल्ड कप में। उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप में वो सारे मैचेस हार गए थे और उस साल वर्ल्ड चैंपियन बना था इंग्लैंड। उसी वर्ल्ड चैंपियन को आज उन्होंने हराया। आई थिंक ये अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। अफगानिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को। और बड़ी हैरानी की बात है कि जोनाथन ट्रॉट जो अफगानिस्तान के कोच है वो ऐसे दिख रहे थे, मैं उनके चेहरे की भाव भंगिमा पढ़ने कोशिश कर रहा था कि जिस टीम से वो खेलते थे उसी के खिलाफ आज उसी के बैच बॉल का जो बाजा बजा तक धिनाधिन था वो अफगानिस्तान ने बजाया। इस मैच में रिकॉर्ड्स की भी भरमार रही है। मतलब जोनाथन ट्रॉट जो हैं वो 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंग्लैंड के लिए हाईएस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, और आज वो अफगानिस्तान को कोचिंग कर रहे हैं। और बाद में उन्हें खिलाड़ी धीरे धीरे कोच रहे थे कि सर थोड़ा तो मुस्कुरा दीजिए, माना आप ही की टीम उधर वाली है, लेकिन अब तो यहीं से पैसा जा रहा है, जहां से पैसा वहीं से पेट, और पेट से बेमानी करना तो गलत बात है। जोनाथन ट्रॉट अफगानिस्तान के कोच जबरदस्त, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि वो राशिद खान जिन्होंने आज 3 विकेट निकाले और बेसबॉल का बाजा बजाया तनक दिन तक, वो 2019 में सबसे महंगे बॉलर साबित हुए, सबसे पिटे पिटाए गेंदबाज थे। अंग्रेजों ने उन्हें 9 ओवर में 110 रन ठोक दिया था। अगर 10वां ओवर कर लेते तो हमारे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते वो, लेकिन आज 37 रन देकर 3 विकेट निकाले 10वें ओवर में। एंड आई थिंक राशिद खान का ये डोमिनेंस जो था आज गजब का था। लेकिन अफगानिस्तान के लिए मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह कि अफगानिस्तान ने एक भी मैच 2019 में नहीं जीता था, एंड आई थिंक वो एक उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि कितना कमाल की बात है। लेकिन इस कमाल को करने में नाम रहा मुजीबुर रहमान का, जिन्होंने 3 विकेट निकाले, ऊपर से ब्रेकआउट देना शुरू किया, और उसके बाले बल्लेबाजी में जो उनके 28 रन थे वो दोनों कॉम्बिनेशन मिलाने की वजह से रहा। बड़ी मछलियां पकड़ी, हैरी ब्रूक का शिकार किया, वोक्स को शिकार किया, शुरू में विकेट निकाले। एंड आई थिंक मुजीबुर रहमान जो है टॉप क्लास प्लेयर है, बहुत जबरदस्त माहौल है यार, इतिहास का दिन, इसकी जितनी तारीफ की जाए आज उतना कम। इस मैच से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जब वर्ल्ड कप में 13 मैच हो जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आखिर पायदान पर होगा। नहीं सोचा था हमने, आपने किसी ने सोचा होगा, लेकिन सच यही है कि अफगानिस्तान जो आखिरी पायदान पर थी वो छलांग लगाती है और पहुंच जाती है 6 नंबर पर, इंग्लैंड के बिल्कुल नीचे बैठे हैं। वैसे करते हुए कहा बाबू एक मैच और हराएंगे और फिर माहौल बना देंगे। वैसे माहौल पाकिस्तान को भी डर लग रहा होगा क्योंकि जिस स्पिन डिपार्टमेंट ने आज इंग्लैंड की बखिया उधेड़ दी है इसका मुकाबला चेन्नई की पिच पर पाकिस्तान से होगा, और पाकिस्तान को डरना चाहिए इस गेंदबाजी यूनिट से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को शर्म आ रही होगी कि यार इतने मैचेस हो गए, 13 मैचेस के बाद हम लास्ट पर हैं। श्रीलंका को शर्म आ रही होगी, बांग्लादेश अफगानिस्तान के नीचे है, भारत नंबर 1 पर जगह बनाए हैं, न्यूजीलैंड 2 पर, साउथ अफ्रीका 3 पर, और मेरे हिसाब से ये 3 टीमें ऐसी हैं जो टॉप 4 में जा रही है। हालांकि टूर्नामेंट बड़ा है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो फॉर्म, जो टीम कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, जो बैलेंस नजर आ रहा है, जो क्रिकेट नजर आ रही है, उसके हिसाब से इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका मेरी नजर में टॉप 3 की टीम है। 4 नंबर के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है जिसमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड अगर इंग्लैंड वापसी कर पाती है तो, ये 3 टीमें। आपके हिसाब से क्या कोई टीम है, श्रीलंका या बांग्लादेश भी कोई इनमें माहौल बना सकती है आपको लगता है? लेकिन अफगानिस्तान जो हमने कहा यार कमाल की टीम है, और इंग्लैंड को हर बार कोई झटका दे रहा है, कभी नीदरलैंड कभी कोई, इस बार अफगानिस्तान ने रापटा लगाया। बीते कुछ सालों में इंग्लिश क्रिकेट में व्हाइट बॉल क्रिकेट में बड़ी चर्चाएं होती कि यार इंग्लिश क्रिकेट का स्टाइल अलग है, फलाना अलग है, ढिमकाना अलग है, ये अलग है, वो अलग है। 2015 में इंग्लिश क्रिकेट का बाजा बजा था जिसके बाद कप्तानी गई थी इयॉन मॉर्गन को, और मॉर्गन ने एक नए सिरे से डिफाइन कर दिया था इंग्लिश क्रिकेट को। लेकिन आज वही इंग्लिश क्रिकेट स्ट्रगल कर रहा है और अफगानिस्तान ने उनको
ऐसा ऐसा धप्पा दिया है कि वो बेचारे अब परेशान होने वाले। वैसे माइकल वॉन का कहना है कि ये इंग्लैंड वो इंग्लैंड नहीं है जो बेसबॉल लगाना गाती है, ये थोड़ी सी अलग इंग्लैंड है, इसमें फीलिंग नजर आती है 1996, 1993, 2003, 2011, 2015। एक्चुअली व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लिश हमेशा कूड़ा रहे, केवल 2019 का वर्ल्ड कप ऐसा था जिसमें वो जबरदस्त खेले थे ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। और इसके पीछे जिम्मेदार अगर कोई था आज तो वो तीन शख्स थे, एक राशिद खान जिन्होंने तीन विकेट निकाले, लेकिन राशिद से पहले मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान ने जो माहौल बनाया, उस माहौल के सामने वो जो स्पिन हो रही थी ना, उस समय नाच रहे थे वो ऐसे ऐसे ऐसे। वैसे ये बात हमने मैच में भी कही थी कि अगर आप अफगानिस्तान को 196/6 से 284 करने देंगे तो 284 पर अफगानिस्तान की स्पिन तिकड़ी बहुत भयंकर है। मतलब अगर इंग्लैंड से जो रूट और लिविंगस्टन ने गेंदबाजी टर्न ले रही है तो आप समझ लीजिए राशिद मुजीब नबी क्या करने वाले थे। और करके इस मैच में स्कोर कार्ड की बात करें तो जॉस बटलर ने टॉस जीता, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि इस दिल्ली पर अफगानियों ने एक दौर में कब्जा कर रखा था और वापस उनका जलवा जो है देखने को मिला। शुरुआत जबरदस्त हुई, मतलब इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जो हैं वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, और खासतौर पर दो गेंदबाज जो उनके प्रमुख गेंदबाज हैं क्रिस वोक्स और सैम कुरन, वो दोनों मिलकर यार बहुत पिटे, 8 ओवर में 87 रन। अब अगर आपके दो प्रमुख गेंदबाज 8 ओवर में 87 पिटते हैं अफगानिस्तान के सामने तो आप मैच कैसे जीतेंगे। और यही वजह रही कि गुरबाज ने धागा खोल खोल के मारा, मतलब 12 ओवर में 100 रन हो गए थे गुरबाज जब खेल रहे थे, लग रहा था 350 रन जाएगा, लेकिन फिर 16वें ओवर में इब्राहिम जादरान आउट होते हैं, जादरान ने काफी डॉट बॉले खेली, 48 गेंद पर 28 रन, मैच चल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर स्पिनर्स ने वापसी करवाई, आदिल रशीद ने वापसी करवाई, जबरदस्त विकेट निकाला पहले इब्राहिम जादरान का, फिर विकेट निकाला रहमत शाह का, उसके बाद रूट आए, कहा कि मैं भी जड़ तोड़ूंगा और शहीदी का विकेट निकाल दिया। इसी बीच में एक अनफॉर्चुनेट रनआउट होता है रहमानुल्लाह गुरबाज का, जो काफी ज्यादा पेनफुल था क्योंकि गुरबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 57/80 मार रहे थे। गुरबाज के बारे में हमेशा कहता हूं, चल गए तो चांद तक नहीं तो शाम तक, लेकिन आज वो चले, अच्छी बल्लेबाजी की और जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली। उसके बाद विकेट लगातार गिरते रहे, लेकिन फिर एक शानदार नॉक जो है वो इकरम की देखने को मिली, जो विकेट कीपर भी हैं गुरबाज की तरह, और इस मैच में मौका मिला था और इकरम ने दिखाया कि कैसे पारी को बनाया जाता है, क्योंकि 194/6 से लेकर आप 284 पहुंच जाते हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी, मतलब बंदा 10 मैच खेल चुका है लेकिन 23 साल की उम्र में गुरबाज और इकरम जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, दो विकेट कीपर ने इस मैच को बनाया और 58 रन बनाए। उनके आउट होते ही पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह गई, 277 स्कोर था जब वो आउट हुए और 284 पे मैच खत्म हो गया। इस मैच में स्पिनर्स ने गेंदबाजी अच्छी की थी, रशीद ने 10 ओवर 1 मिड एंड 42 रन 3 विकेट, रूट ने 4 ओवर 19 रन 1 विकेट, और आपके लियाम लिविंगस्टन 10 ओवर 33 रन 1 विकेट। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि लियाम लिविंगस्टन की जगह आप मोइन अली को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मोइन अली बल्ले से भी रन बनाते हैं, लियाम लिविंगस्टन टॉप ऑर्डर में भले ही बनाते हैं लोअर ऑर्डर में उनको रन बनाते काफी टाइम से हमने देखा नहीं, इस वजह से उनकी टीम को लेकर क्वेश्चन हो रहा है कि यार इस हार के पीछे वो भी जिम्मेदार हैं। बाकी कोई गेंदबाज ऐसा था नहीं, लेकिन जब बल्लेबाजी शुरू हुई इंग्लैंड की तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आज अलग लेवल पे फजल हक फारूखी आए थे। अफगानियों ने दिल्ली पर एक बार फिर कब्जा जमाने का मन बनाया था और फारूखी ने शुरुआत में जॉनी बेरिस्टो को आउट किया जो बहुत खतरनाक प्लेयर है, उसके बाद जो रूट जो टिकने की कोशिश कर रहे थे, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी पारी चलती है, जिनके हिसाब से आज मैच था, जिनका टिकना जरूरी था, उनको आउट कर दिया मुजीब ने। और मुजीब इस मैच के हीरो थे मेरे हिसाब से, बिकॉज 10 ओवर 1 मिनट 51 रन 3 विकेट, और नीचे बल्लेबाजी में भी उन्होंने अच्छी रन बनाया, 28 रन बनाए 16 गेंदों में, सो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने फंसाया। जो रूट आउट हुए इसके बाद डेविड मलान और हैरी ब्रूक ने कोशिश की, लेकिन जब मलान का विकेट नबी ने निकाला तो नबी ने बताया कि 38 साल में अभी वो यंग हैं, और फिर नबी ने खेला 6 ओवर 16 रन 2 विकेट, ये बहुत ज्यादा होते हैं मतलब किसी भी टीम के लिहाज से, सबको लाइन से ले गए। लेकिन मेरे लिए बेस्ट विकेट जो था इस मैच का वो था नवीन उल हक ने, जो जॉस बटलर को आउट किया, वो जो अंदर अपने एक्सटेंड जो करते हैं बॉल और नेचुरल उनकी इनस्विंग आती है, वो बेहतरीन जो ठक से मारा बटलर को, बटलर बहुत बेवकूफी वाला शॉट खेलकर आउट हुए। बुमराह ने इस तरह कई बार आउट किया और अपनी कमजोरी को एक्सपोज कर रहे थे। इसके बाद तो फिर अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने खेलना शुरू किया, राशिद खान ने आउट किया लियाम लिविंगस्टन को, सैम कुरन को आउट किया नबी ने, आदिल रशीद को राशिद खान ने, और ये पूरी टीम जो है ये चढ़ती चली गई और इंग्लैंड कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर पाई, मतलब लाइन से बैक टू बैक विकेट गिरते गए। और इतने बड़े बड़े नाम है, जॉनी बेरिस्टो, डेविड मलान, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, सैम कुरन, लेकिन ये टीम एग्जिस्ट नहीं कर पाई। क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, मार्क वुड, आई थिंक इस
हार ने इंग्लैंड को एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया है। इंग्लैंड अब टॉप फेवरेट में नहीं नजर आ रही। बेन स्टोक की ऐसा हो सकता है वापसी हो, हालांकि आज दिल्ली में पोस्टर बहुत सारे थे कि दिल्ली से हूं बेन स्टोक, ये सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन कमाल की गेंदबाजी आज स्पिनर्स ने कमाल दिखाया। राशिद ने अच्छी गेंदबाजी की, राशिद के अलावा मुजीब ने अच्छी गेंदबाजी की, नबी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, फजल अक फारूकी थोड़े महंगे हुए लेकिन शुरुआत उन्होंने बहुत जबरदस्त की, नवीन ने अच्छी गेंदबाजी की। सो ओवरऑल आई थिंक इट वॉज अ गुड पैकेज एंड दैट वॉज द रीजन कि अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया और इंग्लैंड को चारों खाने चित कर